कौन जानता है क्या हुआ, कौन जानता है क्या हुआ, कर लो जो जी में आए। जो बड़े किस्म के लोग चोर डकैत या दादागिरी करने वाले हैं उनके बीच में कहते हैं अरे कौन जानता है क्या हुआ, कर लो जो जी में आए। तो इसीलिए इनसे उलझने के लिए गरीब जिसने देखा हो घटना होते वो बीच में नहीं पड़ना चाहता। जिस प्रकार भूत भगाने बभूत चाहिए, जिस प्रकार भूत भगाने बभूत चाहिए उसी प्रकार न्याय मांगने सबूत चाहिए। भूत भगाने बभूत चाहिए, न्याय मांगने सबूत चाहिए। कौन कहेगा कि अच्छा नहीं हुआ, कौन कहेगा कि अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि खुद को बचाने भी दूत चाहिए, गवाह को भी गवाह चाहिए कि हाँ इसने देखा है। इसलिए गवाह का गवाह बनने को भी कोई तैयार नहीं होता। इसलिए दादागिरी वालों के जो खून करते हैं वगैरह वगैरह उनके भाव बढ़े हुए हैं। आज पैसे के समय में या दादागिरी के समय में झूठ को जिताने सच को मार देते हैं, झूठ को जिताने सच को मार देते हैं। जो लखपति हैं उन्हें तो करोड़ों का उधार दे देते हैं, झूठ को जिताने सच को मार देते हैं, जो लखपति हैं उन्हें करोड़ों का उधार देते हैं। इसी कारण रक्षक का बेटा चोर है, हर तरफ उदंडता का जोर है। इसी कारण रक्षक का बेटा चोर है, हर तरफ उदंडता का जोर है। उससे कौन उलझेगा जो बाहर से कुछ और अंदर से कुछ और है। बाहर से नेता गए अच्छी तरह लोगों से मिलना जुलना करते हैं और अंदर से इतने क्रूर हैं कि खून करवा देते हैं, ऐसे लोगों की गवाही कौन देगा। कौन मानता है जो हुआ, जिसने देखा है कांड होते हुए वो गवाही दे भी रहा है, उससे कहा जाता है कि तुमने क्या देखा, कौन मानता है कि क्या हुआ। कौन खड़ा होगा गवाही पे, कौन मानता है जो हुआ, कौन खड़ा होगा गवाही पे, कौन चढ़ेगा तवाही पे। उसकी जान बच जाती है जो घटना देखकर चुप हुआ, उसकी जान बच जाती है जो घटना देखकर चुप हुआ। जिसने आवाज़ उठाई वो फंस जाता है, उसको अपने को बचाने को भी फिर सबूत चाहिए, इसीलिए कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता। सब सोचते हैं छोड़ो यार हमारा तो कुछ नहीं हुआ, सब सोचते हैं छोड़ो यार हमारा तो कुछ नहीं हुआ, कौन जानता है क्या हुआ, कर लो जो जी में आए, कौन जानता है क्या हुआ। इसीलिए ज़्यादातर बेकसूर की मौत घटना से की जाती है, दुर्घटना बनाई जाती है, और बड़े लोग इसी के आड़ में गरीबों को सताते हैं। नमस्कार।